हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को आर्ट इंटीग्रेटेड मैथ्स प्रोजेक्ट मिला होगा सिक्किम के लिए, तो वो आपको कंप्लीट करना है। वो आप पावर पॉइंट भी बना सकते हैं, A4 शीट्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। A4 शीट में लिखकर और उनकी पिक्चर्स लेकर PDF बनाकर भी आप टीचर्स को भेज सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको मैथ्स प्रोजेक्ट के बारे में बता रही हूँ, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं कॉमन हैं वो आप हर सब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो जैसे आपको और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बनाना है तो आप इसमें से कुछ अपने क्लूज ले सकते हैं कि वहाँ पर भी यूज़ कर सकें। तो अभी हम देख लेते हैं कि सिक्किम के बारे में जो प्रोजेक्ट हमें मैथ्स का बनाना है वो किस तरह से हम ले सकते हैं। सबसे पहले आप पावर पॉइंट अगर बना रहे हैं या A4 शीट पर भी कर रहे हैं तो एक पिक्चर लेनी है हमें सिक्किम की, कोई सी भी फेमस प्लेस की। उसके बाद उसका मैप लेना है, वो आप लगा देंगे तो एक कवर पेज हो जाएगा आपका। उसके बाद सबसे पहले आपको जो पेज लेना है, फर्स्ट पेज, नेम, क्लास एंड सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट, स्कूल नेम, टॉपिक एंड सबमिटेड टू, जिस टीचर को आप सबमिट कर रहे हैं टीचर का नाम देंगे। उसके बाद लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट, ये आपको लिखना है इस तरह से, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई स्पेशल थैंक्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माई टीचर। यहाँ टीचर का नेम आएगा जिसने भी आपको ये प्रोजेक्ट दिया है करने के लिए, एज वेल एज आर प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल का नेम आएगा, हु गेव मी द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डू दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक। टॉपिक हमारा वही है, आर्ट इंटीग्रेटेड मैथ्स प्रोजेक्ट। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट का कर रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे, विच ऑल्सो हेल्प मी इन डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आई केम टू नो अबाउट सो मैनी थिंग्स, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। Secondly, I would also like to thank my parents and friends who helped me a lot in finishing this project within the limited time. I am making this project not only for marks but to also increase my knowledge. Thanks again to all who helped me. यहाँ ये हमारा एक थैंक्स का मैसेज है सबके लिए कि जो हमारी मदद कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट होने में। तो इसके आगे फिर हमें लिखना है सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट स्टूडेंट्स नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, ठीक है, आप अपना नाम लिखिए, स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास है आपकी, हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट ऑन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर्स नेम, यहाँ पे टीचर का नाम आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें तो लेकिन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लेके चलते हैं, तो उनको हम लिख सकते हैं, इनमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं, आप कोई से भी 2, 4, 5 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है मेन पॉइंट जो है आपका इंडेक्स, तो इंडेक्स में टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स इंडेक्स है आपका ये, इसमें जैसे हम हमेशा इंडेक्स बनाते हैं सीरियल नंबर, टॉपिक होंगे और पेज नंबर होंगे जो भी, या आप यहाँ स्लाइड नंबर, अगर पावर पॉइंट है तो स्लाइड नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक्स ले लिए हैं, इंट्रोडक्शन, सिक्किम पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेटा चार्ट, रेनफॉल इन सिक्किम, रेनफॉल डेटा मंथ वाइज, लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ सिक्किम, रिलीजन ऑफ सिक्किम, रिलीजन वाइज पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम एंड कंक्लूजन। तो इस तरह से आप एक इंडेक्स बना देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी भी स्टेट के बारे में लिखना है तो सबसे पहले, जैसे यहाँ सिक्किम है तो यहाँ इंट्रोडक्शन देंगे कि सिक्किम क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी हैं। उसके बाद सिक्किम की पॉपुलेशन लिया है क्योंकि हमें मैथ्स से रिलेटेड बनाना है इसे, तो पॉपुलेशन में कैलकुलेशन भी आती है, तो हम मैथ्स का डेटा लेकर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हम ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन जो है 2011 में, 2011 और 1 में कितनी थी, वो सारी पॉपुलेशन का डेटा हमें इजीली गूगल से भी मिल जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। एक्चुअल पॉपुलेशन मेल फीमेल कितने हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितने हैं, मीन्स गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने हैं, और इस तरह से हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे। अब इसी का चार्ट बना दिया जाए पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम का 2011 एंड 1 का, तो ये हमारा डेटा का चार्ट बना हुआ है, तो इस तरह से भी हम इसको
ले सकते हैं। तो ये सब हमारा मैथ्स में, जैसे हम लोग चार्ट्स पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ उसमें इंटीग्रेट हो जाएगी। फिर रेनफॉल का ले लिया है कॉन्सेप्ट कि रेनफॉल इन सिक्किम, तो किस तरह से रेनफॉल होती है। फॉर साउथ वेस्ट मानसून सिक्किम डेली रेनफॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेनी डेज लाइज इन द रेंज ऑफ 111 to 125 डेज स्पेशली ईस्ट सिक्किम। तो ये हमें रेनफॉल के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमें रेनफॉल का डेटा लेकर एनुअल रेनफॉल जिस मंथ में जिस के अकॉर्डिंग होती है उसका पूरा बार ग्राफ हमने बना दिया है। उस तरह से हम बार ग्राफ को शो कर सकते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो टॉपिक ले लिया है लैंग्वेजेस का ले लिया है, डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ सिक्किम, सिक्किम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो सिक्किम इज़ अ स्मॉल स्टेट बट इट इज़ अ मल्टीलिंगुअल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। मल्टीलिंगुअल है मीन्स बहुत सारी स्टेट वहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और कुछ हमें यहाँ नेम भी दिए गए हैं लैंग्वेजेस के, तो वो सारे भी हमें यहाँ पे शो करने हैं, लिखने हैं सारे। और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सिक्किम आर नेपाली, इंग्लिश, लैपचा एंड सिक्किमीज और तिब्बतन और भूटिया। तो वहाँ पर ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बाकी और भी लैंग्वेजेस वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद इसी का डेटा बना दिया हमने लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ सिक्किम, मीन्स वहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो कितने परसेंटेज में लोग बोलते हैं, उसका परसेंटेज निकाल कर यहाँ पर शो कर दिया गया है। उसके बाद रिलीजन्स ऑफ सिक्किम, सिक्किम में जो जो रिलीजन है, जैसे कितने हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और भी जो लोग हैं वो कितने हैं पॉपुलेशन, उसके अकॉर्डिंग बता दी गई है। हिंदुइज्म कॉन्स्टिट्यूट 57.76% इससे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन में रिलीजन भी शो किया गया है। तो इसी का हम पे डेटा लेकर यहाँ पे पाई चार्ट बना देंगे। पाई चार्ट भी आप लोगों को पता है मैथ्स में यूज़ करते हैं हम लोग, तो इस तरह से यहाँ पे इसके परसेंटेज में दिया हुआ है सारा, तो इस तरह से हम शो कर देंगे। उसके बाद आप और भी टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पॉपुलेशन लिया, रेनफॉल लिया, लैंग्वेजेस लिया, आप और भी ज़्यादा टॉपिक्स इसमें ले सकते हैं जिनके डेटा कलेक्ट कीजिए और उनके ग्राफ्स कलेक्ट कीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा लिखिए, तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, उसमें आपको क्या लिखना है, हियर आई हैव केम टू द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द टॉपिक सिक्किम, आई ट्राइड माई बेस्ट टू इंक्लूड ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड रिलेटेड टू द गिवन टॉपिक, इट वॉज अ वंडरफुल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी वाइल वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट टुक मी थ्रू द वेरियस फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड गेव मी रियल इंसाइट इन टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, आई इंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ वर्क आई हैड पुट इन टू दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आप कंक्लूजन भी लिख देंगे। Thank you, students.